गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। मैं हूँ मीनू और मीनू वर्क व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो कैसे हैं आप सभी? हो करते हो आप सभी अच्छे होंगे? मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग मेरा फेस देख ही रहे हो, देखने से लग ही रहा है कि मैं उठी हूँ अभी सो के पता नहीं क्यों मेरा फेस जो है भारी सा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे स्वेलिंग सी हो गई हो। सभी का हो जाता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हल्का फुल्का सबका हो जाता है, तो उसी तरीके से मेरा हो जाता है। और मेरा फेस ना कम से कम एक घंटे के लिए अजीब सा लग रहा है, एक घंटे के लिए ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं रोई हूँ या फिर जैसे अजीब सा ही हो जाता है। मुझे खुद का अपना फेस नहीं अच्छा लगता, लेकिन कभी कभी जब मैं सोच उठती तो मेरा ऐसा चेहरा ना क्यूट सा लगता है, जैसे देखते ही रहो अच्छे से। और वो कब लगता है पता हूँ? जैसे मैं लिपस्टिक क्या है कि एक बार लगाती हूँ मॉर्निंग में, नहाने के बाद मैं बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गया, एक बार ही लगाती हूँ, फिर मैं नहीं लगाती। और अदरवाइज मतलब जैसे किसी दिन होता है ना, जैसे मुझे वीडियोज़ वगैरह बनानी हो, फिर वो कहीं जाना हो रात के टाइम, शाम के टाइम, जैसे मैं कभी लिपस्टिक लगा लेती हूँ और मेरी बिंदी लगी रहती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं सुबह सो के उठ के देखती हूँ ना, तो मेरा चेहरा एकदम ऐसा सुंदर सा लगता है, बहुत ही बढ़िया सा। अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए वैसे तो, मैं कुछ नहीं कह रही जो लगा सो मैंने कह दिया, लेकिन यह कि फिर अजीब सा लगता है। और ज़्यादातर भाई मैं पता ही है विदाउट मेकअप रहती हूँ, मेकअप वेकअप करने का मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं जाना आना होता नहीं, कहीं जाती हूँ नहीं, कुछ करती नहीं हूँ, तो क्या करूँ। अंदर से सो के उठ के आ गई, बाहर आके पड़ गई हूँ, अभी प्यास जा रहा है नहाने के लिए। क्या हुआ? उतार दो ऊपर वाला, ऊपर उतारो, बाल्टी में पानी भर दो। तो मैं इसको बोल रही थी कि तू नहा ले, फिर मैं नहा लूँगी। आज जाना है मुझे मंदिर, आज है मंडे और मैंने रखे थे फ्रेंड्स पशुपतिनाथ का व्रत किया था मैंने, तो आज मेरा लास्ट है। 5 पशुपतिनाथ व्रत होते हैं जिसमें से मेरा आज लास्ट है, मतलब कि आज 5 कंप्लीट हो गए। 5 कंप्लीट होने के बाद मैं उद्यापन होगा, जो कि अभी तो मैं पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद शाम को उद्यापन होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी तक मैंने बताया नहीं था, लेकिन मैंने कि चलो लास्ट है तो आज मैं आपको फाइनली बता देती हूँ। तो मेरी जो रुकने की यहाँ पर थोड़ी सी वजह भी थी, आप लोगों ने अपने घर कब जाओगे, तो मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा था कि मेरा पशुपतिनाथ का व्रत जो था वो एक रह गया था, वरना मैं 1 तारीख को, मैंने आप लोगों को बताया ही था 1 तारीख को मैं चली जाऊंगी, इसलिए मेरे को ना थोड़ा सा 1 वीक का पोस्टपोन करना पड़ा जाने के लिए। मेरे स्कूल से भी कॉल वगैरह आए थे कि आप आ नहीं रही हो मैम, तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा काम रह गया है, तो मैं आऊँगी अगले मंडे के बाद में। तो आज मंडे हो गया, मैं यहाँ से परसों चली जाऊँगी, ट्यूसडे को मैं अपने घर चली जाऊँगी और वेडनेसडे मैं अपना स्कूल ज्वाइन कर लूँगी, तो उसके बाद मैं सेम वही रूटीन हो जाएगा जो पहले था। तो पढ़ाई लिखाई आओ जाओ करो, बस यही सारी चीज़ें। तो मैं इसको बोल रही हूँ, तो मैं इसके कपड़े ना थोड़ा सा उतार देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, तो ये जाके नहा लेगा। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने चाय वगैरह अपनी पी थी और दीदी ने झाड़ू पोछा साफ सफाई पूरा कर दिया है। डायरेक्शन जो है आज इन्होंने अपने बेड का चेंज कर दिया है, जबकि यहाँ पर ना बेड पड़ा हुआ था, तो वो इन्होंने कर दिया है इधर की साइड में, बालकनी की साइड में ये कर दिया है, और इधर सोफे डाल दिए हैं 2, इधर की साइड में ये वाला सोफा डाल दिया बड़ा, इधर टेबल कर दिया है, तो मतलब काफ़ी स्पेस लग रहा है और देखने में भी थोड़ा सा अलग चेंजिंग सा लग रहा, होना भी चाहिए थोड़ा चेंज हो जाता तो अच्छा लगता है। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को बाहर का नज़ारा कैसा हो रखा है। कल इतनी थक गई थी हम लोग, ये मान लो बहुत ही ज़्यादा, सारे के सारे फ्लावर्स खिल गए हैं। ये बनाया था मैंने, ऐसे देखा था वीडियो में, देखा था मैंने ये बना दिया, कैसा लगा? कल इतना हम लोग थक गए थे, मॉल गए थे, सुबह से लेके शाम तक नाइट हो गई, बहुत ज़्यादा थक गई थी ये, और घर भी यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही थी, और उससे भी हम लोग ज़्यादा परेशान हो गए थे लाइट के चक्कर में। लाइट क्या है, सुबह ही चली गई थी, 8 बजे लाइट चली गई थी और पूरा नाइट नहीं आई, रात को आई थी 11:30 बजे लाइट आई थी, जब जाके हम लोग सोए थे। ऑलरेडी हम मॉल गए थे तो पूरा मार्केट ये सारी चीज़ें में थकान होगी तो बहुत ही ज़्यादा। वो तो ये कहो कि खाना वाना हम लोग बाहर ही खा के आ गए थे, क्योंकि हमारे बस की नहीं है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं मार्केट, मैं पहले भी ऐसे ही थी कि हम लोग कभी भी मॉल जाते थे या फिर अपना घूमने फिरने के लिए जाते थे, मेरे बस की नहीं थी कि मैं घर पर आके खाना खाऊँ, तो भैया मैं बच्चे हस्बैंड हम लोग ना बाहर ही अपना खाना खा के आते थे, मेरे बस की नहीं होती कि मैं घर जाके फिर खाना बनाऊं।
सेम वही दीदी का है। तो दीदी बोली भाई हमसे नहीं बनेगा खाना, तो यहीं खा के चलो। मैंने कहा चलो ठीक है भैया खा लेते हैं। तो हम लोगों ने फिर वहीं से फ्री हो गए एकदम, मतलब इन्जॉय किया था, मज़ा आ गया था। अब ये सारी चीज़ें कि वहाँ नहीं हो पाती है, जब मैं गाँव चली जाती तो वो फिर मुझे बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता क्योंकि फिर मैं मार्केट जाऊँ, दीदी यहाँ जाना पड़ता, वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए बातें कम करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जिस टाइप की वीडियोस आप लोगों को मैं पहले आती थी थंबनेल वगैरह में आप डालती थी उसमें, तो वो मेरी वीडियोस पे अब नहीं मिलेगी क्योंकि उस कैटेगरी के एक क्या होता है कि मैं आप लोगों को छोटी सी इसमें छोटे से मैं बता देती हूँ जो मेरे को पता है। मेरी वीडियोस जो है वो नॉर्मल मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग रहता है, जैसे कि घर की वीडियोस रहती है, लेकिन मैं थंबनेल जो है वो क्लिक बाइट के लिए, जैसे जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना उस पर क्लिक करें वॉच करें, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा थंबनेल जो है वो मेरा अट्रैक्टिव रहता था, मैं लगाती थी अपने वीडियोज़ के ऊपर। लेकिन वो अब मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो जो थंबनेल मैं लगाती थी उसकी वजह से यूट्यूब ने मुझे ना गाइडलाइंस उस पर रूल्स होते हैं वो उसके अगेंस्ट जा रहा था, और उन लोगों ने उसके चलते ना मेरा जो चैनल था वो डिमोनेटाइज कर दिया। और डिमोनेटाइज होने की वजह से मुझे 3 months आप लोग समझ सकते हो, अगर 3 months चैनल बंद रहता है तो क्या कंडीशन हो जाती है। एक तो रीच डाउन हो जाती है, चैनल ग्रो कर जितना मेरा कर रहा था वो सारा का सारा डाउन हो गया, रीच भी डाउन हुई, जो सब्सक्राइबर हैं जो आप लोग हैं वो भी इनमें से बहुत सारा कम आए। तो आज मैं बस एक छोटी सी यही क्लियरेंस करना चाह रही थी कि जो मेरा थंबनेल वगैरह था वो मेरी वीडियोज़ पे नहीं आएंगे, सिंपल थंबनेल्स आएंगे। तो आप लोग उस पे वॉच कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, जो मेरे वीडियोज़ थे वो जैसे मैं डाल रही थी वीडियोज़ मेरे वही रहेंगे, सेम वीडियोज़ आएंगे, मतलब डेली रूटीन का घर का वही आएगा, लेकिन जो मेरे थंबनेल्स वगैरह होते थे वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो बस इतना सा रिक्वेस्ट था कि आप लोग वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर, लेकिन थंबनेल जो मैं पहले लगाती थी वो थंबनेल मेरे वीडियोस पे आप लोगों को देखने को अब नहीं मिलेंगे। बस ये मुझे क्लियर करना था। और अभी मेरा चैनल अब मोनेटाइज नहीं हुआ है क्योंकि उसने मुझे जो डेट दी थी वो अगस्त की दी है, तो इसलिए मेरे थोड़ा सा वीडियो जो वगैरह कम आ रहा था। कुछ तो ये कि मैं यहाँ थी तो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब मैं घर पहुँच जाऊँगी, उसके बाद में मेरी वीडियो जो वो कंटिन्यू आएगी। और आप लोगों को डेली नहीं है तो ये है कि हाँ 2 दिन में एक दिन वीडियो तो मेरा ज़रूर आएगा। कुछ थोड़ा सा ये है कि मेरा इतना समय नहीं मिल पाता फ्रेंड्स मेरे को, क्योंकि ना रील्स वगैरह हो जाती है, घर का काम हो जाता है, फिर मेरे को स्कूल वगैरह हो जाता है, फिर बच्चे का भी देखना है, उसको होमवर्क भी कराना है, उसको ट्यूशन भी करवाना है, उसका सिलेबस भी है क्योंकि अब वो फर्स्ट क्लास में भी आ गया तो उसका थोड़ा सा हार्ड हो गया, उसको जब तक मैं थोड़ा सा नहीं देखूँगी तो वो उसको समझ में नहीं आएगा, सिलेबस काफ़ी हार्ड होता है CBSE बोर्ड से आपको पता ही है। तो इन चीज़ों के रहते ना जितना भी मेरे से होता है आप लोगों से मैं बिल्कुल कनेक्ट रहूँगी क्योंकि आप लोग फैमिली हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर जगह, जहाँ भी मैं बोलती हूँ आप लोग मेरी वीडियोस पे जाते, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं भी हो, आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और उसके लिए आपको दिल से थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है ये वाली जो है, क्योंकि यहाँ बोलते बोलते ही मेरे को 7 मिनट हो गई, तो ये मान लीजिए आज वीडियोज़ वो आपको कम से कम मिलेगी 25 मिनट की। मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगी, छोटी छोटी चीज़ों में मैं आप लोगों को समझा दिया है, तो प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा घर का जो है वो बर्तन वगैरह रह गए थे वो मैं साफ़ कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी मंदिर पूजा करने। लेकिन अभी मैं मंदिर की आपको वीडियो नहीं दिखाऊँगी क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी नहीं है, बच्चे वगैरह जो वो स्कूल गए हैं, दीदी तो मेरे साथ में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उनको भी ऑलरेडी यहाँ पे काम है। तो शाम का ही मेरा उद्यापन रहेगा, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, घर की पूजा मैं करूँगी यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को 2 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स मैं नहा के निकल आई और पूजा की भी मैंने कर ली है तैयारी। तो ये मैंने लगा ली है अपनी थाल जो कि मैं मंदिर लेके जाऊंगी, इसमें सारा सामान है, तो अलग अलग करने से बेहतर है कि एक में ही ले जाऊंगी। वैसे मैं हमेशा अलग अलग ले गई हूँ, लेकिन एक साथ इसी में ले जाऊंगी तो सारी चीज़ें इसी में ही तो भी रहेंगी ना, तो मैं आराम से ये पूजा वहाँ पे कर लूँगी। सर्दी मेरे को फिर से होने लग गई है, आवाज़ से पता पड़ रहा होगा, तो पहले मैं मंदिर की पूजा करके आ रही हूँ और उसके बाद में फिर करूँगी घर के आके। ये नारियल वगैरह रखे हैं जो कि जब शाम को हम उद्यापन करेंगे उसमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स चलो मैं फटाफट से अपनी पूजा करके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को वापस आने के बाद। अब बॉल से खेलने जब से तुम मांग रहा था खेलूंगा।
सिर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत ही अचानक से, पता नहीं क्यों सिर में दर्द स्टार्ट हो गया। एक तो सर्दी ना कभी तो लगता है खुल गई, सर्दी ठीक हो गई और थोड़ी देर में लगता है कि अभी सर्दी जैसी की तैसी है। तो सबसे पहले ना लाइट आ गई है तो वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, तो कपड़े धुलते रहेंगे। वॉशिंग मशीन मैंने कर दी है चालू, इसमें अभी कपड़े मैंने थोड़े से डाल दिए हैं, बाकी के कपड़े ये हैं। दिव्यांश अपना खेल रहा है बॉल से, साथ में मैंने बना ली है चाय। बर्तन मैंने वगैरह शादी वॉश कर दिए, मेरे सिर में हो रहा बहुत भयंकर वाला दर्द, तो चाय पी लेती हूँ। हो सकता है कि कुछ अभी खाया नहीं है फास्ट की वजह से हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ये कि चाय पी के हो सकता है कि बंद हो जाए। वो भी तो रोज देते हैं। देखो मैं कल आया हूँ, कितने फ्लेवर के हैं बताओ। इस ये है किस ब्लैक ग्रेप्स। हाँ आप बताओ ये किसके है। लीची। लीची है ये। ये है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी है तो ये है बात के लिए, आपको भी खानी है तो पहली वाली तो कौन से मैंने खा लो पहली वाली। तो लाइट चली गई वरना कपड़े भी धुल जाते हो जाते, मैं भी फ्री हो जाती कपड़े वगैरह धो के। लाइट ने बीच में गोलमाल मार दिया, लाइट कर रही है यहाँ पे ड्रामा, जबकि मुझे एक वन मंथ हो गया एक दिन भी लाइट नहीं गई। फर्स्ट डे है जो लाइट इतना नौटंकी कर रही है, और मेरा आज सिर में दर्द भी नौटंकी कर रहा है। सिर में दर्द हो रहा भयंकर रूप से, पानी भी इनका ख़त्म हो गया, लाइट भी चली गई, सब गोलमाल हो रहा आज। ए, है आज मम्मा ये टूटा है, ऐसे खा लो तो टूट गया।
हाँ इन्वर्टर में एक सीटी है, बाहर भी अच्छी खासी धूप निकल आई। मैं तो कह रही थी कपड़े सूख जाएंगे, अगर लाइट आ जाती 10 मिनट की लाइट और आ जाए 10 मिनट में हमारे कपड़े ना सूख जाएंगे। शोर आए शोर आए, चल आ जा मेरे साथ में, चले तो चल सवा चार बजे, चल तो फिर ट्यूशन ही ट्यूशन ही चले जाओ, कहाँ तो फिर जाओ तुम ट्यूशन जाओ, मैं ले आऊँगी अपना। तो मैं ले आई हूँ ये बिस्किट और इनमें से खोल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 खोल देती हूँ इनको सबको। तो ये मैंने थोड़े से खोल दिए, इनमें से ना 108 बिस्किट जो है वो मैं काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 24 25 26 27 28 29 पूजा होगी, तो ये मैंने कर दिया है इसमें 108 बिस्किट की काउंटिंग हमारी हो चुकी है। तो एक साइड में मैंने रख दी है अरबी बॉईल होने के लिए, और इसमें बना लेती हूँ मैं प्रसाद। तो ये मैंने ऑलरेडी ना सूजी जो है वो भून के रखी थी, तो सूजी का ही मैं प्रसाद बनाऊँगी अभी। तो मैंने ना इसमें हलवा बनाने के लिए रख दिया है, 5 मिनट में बन जाएगा बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं अपनी थाल लगा लेती हूँ, सबसे पहले तो दीपक कर देते रेडी, वो दीपक हो गए तैयार, प्रसाद भी बन के हो गया रेडी। तो मैंने कर ली है अपनी पूजा की तैयारी, इसमें मैंने प्रसाद वगैरह रख दिया है, ये रखा है मेरा प्रसाद, ये मैंने यहाँ पे अपनी थाल जो है वो लगा ली है। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए, और वीडियो मैं बना नहीं पाऊंगी इसलिए मैं कैमरा लेकर नहीं जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ आने के बाद में, क्योंकि बच्चे वगैरह मेरे साथ में है नहीं है जो कि मेरी वीडियो वहाँ पे बना दें, तो इसलिए बस मैं जा रही हूँ पूजा करने और आके मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह हम लोग करके आ गए, और अभी दीदी बना रही है खाना, चल भी नहीं अपन घर, दीदी बना रही है खाना, और मैं आई हूँ अभी भैया के घर से, बच्चे खा रहे हैं खाना, बेटा एक ही करके खाओ, चल ठीक है अभी आ रही है, और आ रहे बच्चे खाना खा ले, मैं बना दूँ रायता, दही जम गया, दही रायता बना दूँ, रायता बना दूँ खिला। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद में दीदी बना रही है खाना, उधर बना रही है, खुशियों भी खा रहा है अपना खाना, फिनिश कर लो अच्छे से बढ़िया से। तो ये है हमारा प्रसाद, और भोग लगा देती हूँ और मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ।
जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं अपना खाऊंगी प्रसाद, क्योंकि सबसे पहले जो है मतलब खाना खाने से पहले अपना प्रसाद जो होता है पूजा करने के टाइम पर वो होता है, पहले खाया जाता है, तो मैं खाने। हाँ पकड़ के चलाओ बेटा।